बहुत सारी जगहों पर बराबर हैं हुकूक, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक दर्जा ज्यादा है। क्या जरूरी है बीवी बात भी सुने? बीवी को क्या, बीवी को आजादी नहीं है? पहले माँ बाप के घर पे थी तो माँ बाप को जवाब दे थी, अब शौहर के पास चली गई तो शौहर को जवाब दे है, और न सिर्फ शौहर को बल्कि शौहर की माँ को भी जवाब दे है। तो ये आजादी औरत को हासिल नहीं है कि वो जब जो करना चाहे करे? इसी दफा हमने बात की थी कि औरत जो है दो चीजें चाहती है, इज्जत और मोहब्बत, और ये भी बताता है कि मर्द भी दो ही चीजें चाहता है बुनियादी तौर पे। और ये बात डायरेक्टली इस मतन में तो आपको हदीस और कुरान में नहीं मिलती, लेकिन उस मफहूम में यही निकलता है कि मर्द ये चाहता है कि मुझे मानो और मेरी मानो, मेरी मानो, यानी मुझे मानो से मुराद ये कि सबसे पहले मुझे सुपीरियर मानो। और ये बात भी एक है कि जैसे रोल चेंज होते हैं तो फितरी तौर पे चीज़ें खुद ब खुद भी आ जाती हैं। जैसे शादी से पहले रिश्ता ये था कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, उस वक्त ये मुझे मानो मेरी मानो की बात नहीं होती। जैसे ही रोल चेंज हुआ, जैसे ही शौहर बना वो, तो अब उसने जो शौहर का रोल देखा हुआ है, रूप देखे हुए, उसके मुताबिक ये चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं कि अब मैं शौहर हूँ, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन सही हैं या गलत, ये हमें ज़ाहिर रहनुमाई चाहिए अल्लाह और उसके रसूल से कि क्या वाकई शौहर को बड़ा मानना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ये कवाम है, बहुत सारी जगहों पर बराबर हैं हुकूक, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक दर्जा ज़्यादा है, क्योंकि ये हर घर का, हर दफ्तर का, हर फैक्ट्री का, पूरी दुनिया का कायदा ये है कि हेड जो एक होगा, आप हर डिपार्टमेंट का जो लीड रोल होगा वो एक ही बंदे के पास होगा, अथॉरिटी एक ही के पास जी, मल्टीपल लीड रोल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अमीर एक होगा। ये हमने जेंडर रोल्स में पिछले हफ्ते बात की थी कि क्या है जेंडर रोल्स बीवी के, तो ये जो मामला है वो उसके हिसाब से, वो ये जो रिक्वायर्ड है उसकी कि भाई मुझे मेरी सुनी जाए, मेरी बात को अहमियत दी जाए, मेरी बात मानी जाए, तो ये एक जाहिर बात है उसको शरीयत ने इसका एक हक दिया है, लेकिन लिमिटेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि जो दिल चाहे कहता रहे और जिस तरह दिल चाहे, बस हर बात मेरी सुनो। अब शौहर को चाहिए कि उसकी भी सुने, हर चीज़ उसूल और वो हकूक और फराइज के ऊपर नहीं चली जाती, एहसान का दर्जा देना पड़ता है, कुछ आपको थोड़ा सा गुंजाइश देनी पड़ती है ताकि एहसान के साथ ही जो है ना उसके अंदर रिश्ते बेहतर बनते हैं, मोहब्बत के साथ, गिव एंड टेक वाला मामला होता है। जी जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो औरत जो पांच वक्ता नमाज पढ़े, सल्लत खमसहा व सामत शहरहा, और जिसने रमजान के रोजे रखे और क्या कहा, अताअत बाला, अपने बाल यानी जौज की, अपने शोहर की इताअत की, क़यामत के दिन क्या होगा, जन्नत के आठ दरवाजे उसको दिखाए जाएंगे, उसको कहा जाएगा किसी भी दरवाजे से जिसमें से चाहती है दाखिल हो जा। तो ये इतनी बड़ी फजीलत कि औरत को तो सिर्फ शोहर की अताअत में जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है कि शोहर की बात मान ले और वो उसमें दाखिल हो जाए। आयत आती है ना कि वलो कुंत फद्दन गलीज القلب لن فضوا من حولك, कि अल्लाह के रसूल को बेसिकली बताया गया, लेकिन वो है तमाम मुसलमानों के लिए, कि अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा कराम हरगिज़ आपके करीब ना आते। अब सख्त दिली की बात आ गई तो इसका हल क्या है, वो भी आके बता दिया गया, फ़ाफ़ अनहुम, वही जैसे इन्होंने बात की कि दरगुजर भी कर देना चाहिए, आपके मातहत जो लोग आते हैं उसकी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, तो उस पर क्या करना है, दरगुजर करना है, फ़ाफ़ अनहुम वस्तग़फिर लहुम, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, वशावरहुम फिल अम्र, और हर मामले में उनकी राय लेनी चाहिए, हर मामले से मुराद बेसिकली उनकी राय लेनी चाहिए जिसमें आप मुनासिब समझे। तो यहाँ मेरे ख्याल से एक रूल बता दिया गया, घर पे कैसे अप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ ये रूल बता दिया गया कि आपने मुशावरत करनी है, इससे एक मोहब्बत पैदा होती है, एक दिली लगाव पैदा होता है, लेकिन फिर बाद में क्या बताया, फ़ाइदा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह, लेकिन जब फैसला हो जाए फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। सही, यानी कि फैसले की जो ताकत है वो मर्द के हाथ में, लेकिन मुशावरत वो कर सकता है औरत से।